नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का थ्रू मैं कल के लिए मतलब 30 अक्टूबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है। इसको इसका बाइसल लेवल आप लोग नोट कर सकता है। बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाहिने तरफ, और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा टारगेट 1 से लेकर टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाहिने तरफ। और इसका अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है। सभी बाय सेल लेवल में आप लोग गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर ले सकता है और टारगेट और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकता है। इसका फिबोनाची लेवल और पिवट पॉइंट का लेवल भी आप लोग को दिखा देता हूँ, वो भी बाय सेल लेवल के जैसा काम करेगा। इसका R1, R2, R3, R4, R5, S1, S2, S4 ये आप लोग बाय सेल लेवल इसका हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है। और मेरा ये जो फाइल है इसमें देखिए, इस ये आप लोग को एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम मिल जाएगा। आप लोग मेरा मैं जो कुछ मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप सर्विस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब का वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग पूरा फाइल को आप लोग स्क्रीन कर सकता है। उसका मैं लोग मैंने पेयर ट्रेडिंग को अभी करता हूँ तो इसमें ये सब आप लोग को मिल जाएगा इधर से। इसमें क्या पेयर ट्रेडिंग करना है उसका बाय सेल लेवल मैं दे देता हूँ। इसका ये पेयर ट्रेडिंग देख के आप लोग उसके बाद बाय सेल लेवल देख के आप लोग एंट्री ले सकता है, और इसका अपना हिसाब से भी स्क्रीनिंग भी करके आप लोग ट्रेड कर सकता है। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर्स है और ये निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स है। इसका बाई सेल लेवल आप लोग नोट कर सकता है। आप लोग देखिए, इधर आप लोग अपना हिसाब से चुन सकते हैं। सोच लीजिए इधर 873 में क्लोज हुआ है तो इधर तो इधर ये तो छोड़िए, ये पहले से दिखाता है। उसके बाद ये 904 से ये इसका स्टार्ट हो रहा है, तो सोच लीजिए 904 और 953 के बीच ओपन हुआ तो आप लोग को 953 के ऊपर देखना है, 933-957 तक। और आप लोग सोच सकते हैं कि ये बड़ा टारगेट के लिए देख सकता है, तो आप लोग इस लेवल तक वेट कर सकता है, तो उसके बाद इसमें आएगा। ऐसे करके आप लोग को देखना है। इसका फिबोनाची और दिखाता हूँ। निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का मतलब 30 डेज डाटा एक्चुअली उठाया नहीं है, तो इसीलिए इधर ये सब डाटा नहीं देख रहा है। ये आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स ही देख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का 1 डेज का ही डाटा इंडेक्स का डाटा मिलता है, फ्यूचर्स का डाटा मिलता है। और इसमें जो फ्यूचर्स का लेवल रहता है इस एज इधर 1 डेज का डाटा मिलता है लेकिन 30 डेज का डाटा नहीं मिलता है। लाइव मार्केट में भी ये अपडेट नहीं करता क्योंकि NSE इंडिया में इस साइट से नहीं मिलता है, इसीलिए कर सकता हूँ मैं, लेकिन चार्ट देख के मेरे को करना पड़ता है। ओके, मैंने चार्ट देख के कैंडलस्टिक देख के 1 डेली चार्ट में करना पड़ता है मैनुअली, तो इसीलिए ये नहीं कर पाया हूँ मैंने। मतलब कमोडिटी का नोट कर सकते हैं।